हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। और फ्रेंड्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आप घर में एकदम आसानी से बेदमी पूरी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये बनती है। आलू की सब्जी के साथ आप इसको खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये आप कोई चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें दाल की फिलिंग होती है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर उड़द की दाल ली है, ये जो वाइट कलर की आती है ये हमने लिया। ये हाफ कप हमने दाल ली है और इसको हमने 4 घंटे करीब भिगो के रखा था पानी में। पहले हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, 2 से 3 बार पानी से आप धो लें, फिर इसको आप भिगो के ऐसे रख दें और आप ये देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है दाल। ये देखिए प्रेस हम कर रहे हैं, इजीली टूट रही है। इसको हमने क्या करना है, अभी पानी इसका हमने सारा ड्रेन कर देना है और इसको हमने दरदरा पीस लेना है, वो हम करते हैं। और 1 या 2 चम्मच पानी आप डाल लें जब आप इसको पीस रहे हैं, जिससे इजीली ये पिस जाए। और दरदरा ही आपने रखना है। तो हम आपको मिलते हैं इसको पीसने के बाद। ये आप देखिए दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है और इसको दरदरा ही हमने रखा है। ये देखिए कुछ आप देखेंगे दाने इसमें साबुत भी हैं। आप ऐसे हाथ से दबाएंगे आपको दाने फील होने चाहिए। तो हम आगे का आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं हमने ऑयल गरम होने के लिए रखा हुआ है। 1.5 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, ये गरम हो गया ऑयल। और फ्लेम हमने अभी मीडियम रखी हुई है। इसमें हम हींग डालेंगे सबसे पहले, ये हम डाल देते हैं। और फ्लेम हम लो कर देंगे। 1/4 टीस्पून हमने हींग लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हींग की। अब हमने इसमें जो दाल की पीठी बनाई थी वो ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो बेदमी पूरी हम बना रहे हैं, सबको बहुत ही पसंद आती है। स्पेशली लोग जाते हैं खाते हैं, बाहर स्ट्रीट फूड में ये मिलता है। और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी आलू की सब्जी भी मिलती है। बाहर आपने अगर खाई हो तो आपको पता होगा अचारी आलू की सब्जी बनती है इसके साथ। इसको आप अगर सब्जी ना भी बनाएं तो चटनी के साथ भी खा लें, बहुत आपको पसंद आएगी। कोई भी आपको चटनी हो या अचार हो उसके साथ आप खा लें। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। ये भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे दाल को, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको आटे में डाल के डो बना देंगे तो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा दाल का, वो फिर अच्छा नहीं लगता। बाहर आप खाते हैं आप फिर सोचते होंगे ये कैसे बनती है, हम आपको पूरा बता रहे हैं। आप ऐसे घर में एकदम आसानी से बना सकते हैं, पूरा बाहर जैसा टेस्ट आएगा आपको। फ्लेम हमने लो ही रखी हुई है, लो फ्लेम पे ही भून रहे हैं क्योंकि दाल एकदम जलनी नहीं चाहिए। बहुत ही शौक से खाते हैं सब ये बेदमी पूरी, सबको बहुत पसंद आती है। आप ऐसे घर में छुट्टी वाला दिन हो ब्रेकफास्ट में बना लें, साथ आप आलू की सब्जी बना लें, वो भी बड़ी इजीली बन जाती है। उसकी भी रेसिपी हमने डाली हुई है अचारी आलू की सब्जी, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस पूरी के साथ आप वो बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो के एंड में आप उसका लिंक देख सकते हैं, हम डाल देंगे आलू की सब्जी का। ये दाल जैसी भुन रही है इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लगी है। 2 से 3 मिनट हो गए इसको ऐसे भूनते हुए। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, इसको हमने दरदरा ऐसे कूट लिया था। और अभी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, हमने इसमें सूखे मसाले डालने हैं। पहले हम मसाले डाल लेते हैं फिर हम फ्लेम वापस ऑन करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, ये हम डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा और भी डाल दें। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम सौंफ का पाउडर डालेंगे, ये हमने डाल दिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देते हैं। अब वापस फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसाले डालते ही। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और फ्लेम हमने लो ही रखी है ताकि ये मसाले सारे जल ना जाएं। ये मथुरा में तो बहुत ही फेमस है बेदमी पूरी आलू की सब्जी। आप देखेंगे आप जाएंगे मथुरा में जगह जगह आपको ये स्ट्रीट फूड में मिलेगी। अब आपको लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप घर में बना सकते हैं, रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए दाल में से भी सारा जो मॉइस्चर है वो निकल गया है, एकदम ड्राई ड्राई हो गई है ये दाल, आप देख सकते हैं। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चॉप्ड हरा धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून हमने लिया।
इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जस्ट एक मिनट और हमने इसको ऐसे कुक करना, ये जो मिक्सचर है फिर बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। बस आपने ध्यान देना है कि सारी क्वांटिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं आप वैसे ही लें, उसी से आपकी एकदम परफेक्ट पूरी बनेगी। मतलब जितनी प्रोपोर्शन हमने आपको दाल की बताई है, आगे हम आटे की भी बताएंगे, उस हिसाब से आप लें। और मसाले भी हमने जितने बताए हैं आप उतने डालें। बस इससे ज़्यादा हम इसको और कुक नहीं करेंगे, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम आपको मिलेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। जो मिक्सचर हमने बनाया था वो ठंडा हो गया दाल का। अब आगे हम डो बनाते हैं, जो हमने बेदमी पूरी का डो बनाना है। उसके लिए आप देख सकते हैं हमने 1 कप हीप्ड आटा लिया है, ये गेहूं का आटा हम यूज़ कर रहे हैं। इसको डाल देते हैं और 3 टेबलस्पून इसमें सूजी ऐड करेंगे। और जो मिक्सचर हमने बनाया था दाल का वो सारा ऐड कर देते हैं इसमें। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छे से ये सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लेते हैं। सबको बहुत ही पसंद आनी है ये पूड़ियाँ, आप इनको ज़रूर बना के ट्राई करें। हमने इसका थोड़ा स्टिफ डो बनाना है, पूड़ी का जैसे हम डो बनाते हैं। ये अच्छे से पहले दाल मिक्स हो जाए आटे में, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसका एक डो बना लेते हैं। एकदम से आपने ज़्यादा पानी ज़रा भी नहीं डालना, क्योंकि एक बार ज़्यादा पानी डल गया तो डो आपका सारा ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप पहले थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और नमक और डालने की तो ज़रूरत ही नहीं थी आटे में, क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से। ये आप देखिए डो बनकर एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए हमने एक स्टिफ डो बना लिया है, जैसे पूड़ी का बनता है। इसमें थोड़ा सा हम हाथों में ऑयल लगा के ऐसे लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए आटा, और इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम आगे पूड़ियाँ बनाएंगे। ये थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया, ऐसे लगा देते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, आगे फिर हम बनाएंगे पूड़ियाँ और इसको हम कवर कर देंगे। ये आप देखिए 10 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट करे हुए। इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं। और अब आगे इसकी पूड़ियाँ बेलते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे पहले और इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इतना हम ले लेते हैं, थोड़ी सी मोटी बनती हैं ये वाली पूड़ियाँ। अभी हम 4 ही आपको बना के दिखाएंगे। इतने डो से आप देखिए कितनी सारी बन जाएंगी पूड़ियाँ। ये 4 हमने पेड़े बना लिए हैं, ये बाकी के डो को साइड पे ऐसे कवर करके रख देते हैं। अब एक एक करके हम पूड़ी को बेलते हैं। थोड़ा सा ऑयल में डिप करेंगे, आप कोई भी कटोरी में ले लें ऑयल। और फ्राई करने के लिए भी हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। इनको अब बेल लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने बेल लिए, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बाकी की भी हम पूड़ियाँ ऐसे बेल लेंगे। आप अगर चाहें तो थोड़े बड़े साइज की भी बना सकते हैं पूड़ी। ये आप देखिए 4 पूड़ियाँ हमने बेल के तैयार कर ली हैं, अब हम इनको आगे फ्राई करते हैं। अब आगे पूड़ियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जब भी आप पूड़ी फ्राई करें आपने ये ध्यान देना है कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही आपने इनको फ्राई करना है। एक एक करके हम इनको डालते हैं, ध्यान से आपने डालना है। करछी से ऐसे प्रेस करेंगे। साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये पूड़ी बनी है। ऐसे ही हम बाकी की भी फ्राई कर लेते हैं। बस इनको दबाते रहना जरूरी है, जिससे ये अच्छी फूली फूली बनती हैं। दोनों साइड से अच्छे से सिक जानी चाहिए। ये देखिए ये देखिए इसमें भी कितना अच्छा कलर आ गया। बस एक पूड़ी और रह गई है, वो भी हम फ्राई कर लेते हैं।
बस आपने ये ध्यान देना है, डो को रेस्ट आपने जरूर देना है। आप ज़रूर ये ट्राई करें पूड़ियाँ, और फिर हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। इनको ज़रूर बना के खाएं, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए, ये भी बन गई, सारी पूड़ी बन गई है। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।